ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਕਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਕਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਕਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਿਗੜ ਕਰੇ ਯਹੀ ਸਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰ कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसने विकास में अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है और देश को विकासशील देशों की श्रेणी में लाई है। देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। यह बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट विकास कश्यप ने अपने विशेष संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करती रही है। केंद्र द्वारा मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सामाजिक पेंशन, अंत्योदय, स्मार्ट कार्ड, आंगनबाड़ी, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदि जनकल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश को विश्व के पटल पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना का अधिकार, लोकपाल, भोजन का अधिकार, पंचायती राज जैसी अति महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की हैं। इससे गरीबों को न्याय मिलेगा और गांवों में विकास की किरण पहुंचेगी तथा देश से गरीबी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस ने 60 साल राज किया है और विकास करवाया है। भाजपा जनता को गुमराह कर विकास के नाम पर व अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता में आई और सभी मुद्दों पर विफल रही है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई कम नहीं कर पाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तहत पेट्रोल व डीजल की कीमत कम हुई, फिर भी राज्य सरकार ने 4% वैट लगाकर इसे महंगा कर दिया। सोयाबीन तेल भी 3% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर महंगा कर दिया। भाजपा की पिछली जयराम सरकार ने 24 घंटे पानी बिजली देने का वादा किया था, उस पर अमल नहीं किया गया है। आज हमारे बीच एडवोकेट विकास कश्यप जी और समाज सेवी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि आज बहुत ही सक्रिय हुए हैं गगरेट के लिए, जहाँ से वो अपना प्रत्याशी चुनाव भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन टिकट फिलहाल अभी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। वो फाइनल हो जाए एक दो दिन में, लेकिन उनके साथ हमारी अहम चर्चा रहेगी राजनीति को लेके कि गगरेट की जनता क्या उनके साथ है, कैसे उनको देखती है। दिन रात वो गगरेट की जनता के बीच बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, कैसा उनका आना जाना रहता है। क्षेत्र की जनता को कांग्रेस के लिए पहले जो प्रत्याशी रहे थे वो भी काफ़ी भारी बहुमत से जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण वजह से या कुछ स्वार्थ की वजह से ले लीजिए, उन्होंने पार्टी को, जैसे आपको सभी को मालूम है, दल बदल होता रहता है लालच के लिए या किसी और के लिए, तो उसके शिकार हो गए हैं। लेकिन जनता तो अब आज ठगासा महसूस करती है। इसी बीच हमारे साथ विकास कश्यप जी हैं, उनसे रूबरू होते हैं कि उन्होंने जनता के बीच में क्या खोया, क्या पाया, बताएंगे सर। अब गगरेट में जा रहे हैं, कैसे कैसे देखते हैं लोगों के बीच जाके, क्या परेशानियां हैं। एकदम से 5 साल के लिए जनता ने एक प्रत्याशी को चुना था, लेकिन आज वो कहीं और बैठ गया जाके, तो कहीं ना कहीं परेशानी आपको भी है तो जनता को भी है। बात यह है कि लोगों ने प्रत्याशी 5 वर्ष के लिए चुना था जी, और लोगों ने मैंडेट उस समय कांग्रेस पार्टी को दिया था, भारी बहुमत से दिया था। लोगों ने कांग्रेस में विश्वास जताया और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान के अनुसार हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे भारत की जनता जिसे भी अपना प्रतिनिधि चुनती है, जिसे भी अपना मत देती है, वो 5 साल के लिए देती है। बिल्कुल सर। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम बने, आपने तो पहले ही कह दिया कि लालच में हुआ, किस बात के शिकार हुए, अब ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि लोगों ने ठगासा महसूस किया है, लोगों के साथ गलत हुआ है और लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया, लेकिन यहाँ के पूर्व विधायक 14-15 साल के बाद, सॉरी महीने के बाद ही, उन्होंने 1.25 साल भी पूरा नहीं होने दिया, वो हम ये कह सकते हैं 1 साल के बाद ही उन्होंने पलटी मारी, दल बदल किया और दूसरे दल के साथ मिल गए। क्या कुछ आपको कुछ है इसके बारे में कुछ जानकारी कि क्या कारण रहे, क्यों वो इतना बड़ा कदम उठा लिया उन्होंने कि क्षेत्र की जनता के बारे में भी एक बार नहीं सोचा? राजनीति व्यापार नहीं है,
राजनीति समाज सेवा है, राजनीति लोक सेवा है। लेकिन जब कुछ लोग राजनीति में व्यापार करने के लिए आ जाते हैं तो उस समय ये समस्या आती है। यही गगरेट की जनता के साथ हुआ, यही गगरेट विधानसभा के लोगों के मतदाताओं के साथ हुआ कि लोग आए, उन्होंने लोगों की भावनाओं से खेला, लोगों के बीच गए, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन्होंने लोगों के माइंड्स को ट्रैप करके, मैं तो ये कहूंगा ट्रैप करके उन्होंने वोट्स ली। 15,500 के भारी बहुमत से जीते और उसके बाद लोगों की वोट का सौदा करके वो दूसरे दल के साथ मिल गए। तो भी आप क्षेत्र की जनता में जा रहे हैं तो अपने क्या अहम मुद्दे लेके जा रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए आप विधायक बनते हैं तो क्या उन्हें अपने क्षेत्र के लिए दे पाएंगे, कैसी आपकी रणनीति होगी कुछ? मैं इसी क्षेत्र से पला बढ़ा, इसी क्षेत्र में रहा, यहीं पर पढ़ा, यहीं पर अपना कारोबार शुरू किया, यहीं पर मैंने वकालत शुरू की जी। मैं सभी लोगों से परिचित हूं, उनकी समस्याओं का जानकार हूं, उनके साथ मिलता रहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो चाहे गगरेट विधानसभा क्षेत्र है, चिंतपुर्णी है, हरोली है, ऊना है, अपना कुटलहड़ है, मैं तो कहूँगा हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना जितना भी है, सभी लोगों की समस्या एक जैसी है। कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ के मध्यम वर्गीय छोटी छोटी समस्या है लोगों की। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रास्ते की समस्या है, सड़क की समस्या है, या चौथी समस्या जो मैं कहूंगा हमारी बेरोजगारी की है। कांग्रेस की जब जब सरकार यहां पर रही, इतिहास इस बात का गवाह है, आप चाहे आंकड़े निकाल के देख लीजिए, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गगरेट को कांग्रेस के समय में मिला। बड़ी इंडस्ट्रीज चाहे वो जीतपुर बेहड़ी में खुली, चाहे वो गगरेट क्षेत्र में खुली, यहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए यहां पर इंडस्ट्री खुली। लेकिन जो पिछली सरकार रही, मैं उसके ऊपर भी आरोप लगाऊंगा क्योंकि वो जनहित की सरकार नहीं रही, या जो हमारे पुराने विधायक रहे, हालांकि कांग्रेस सरकार सुखू सरकार, सुख की सरकार है, लोगों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये विधायक भी यहां की लोगों की समस्याओं को सही ढंग से ऊपर नहीं उठा सके, और यही कारण है कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र पर एक संकट आया। भाई इंडस्ट्री यहां से जा रही है, बाहर जा रही है, व्यापार खत्म हो रहा है, व्यापारियों को परेशानी हो रही है, बिल्कुल इंडस्ट्री खत्म होगी, हमारे युवाओं का रोजगार खत्म होगा, जो इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी के लोगों को कई तरह का रोजगार मिला होता है, हमारे व्हीकल्स लग रहे हैं, हमारी दुकानें चल रही हैं, वो सारे का सारा जो व्यापार है वो ठप हो रहा है। तो मेरा जो मकसद रहेगा, मेरा जो मोटिव रहेगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि मैं इन लोगों की मूलभूत समस्याओं को दूर करूं। दूसरी बात, बिजली पानी सड़क रास्ते के साथ साथ आप मतलब कहने का मतलब है कि मैं 24 घंटे जनता के बीच यही रहता हूं। बिल्कुल यही रहता हूं जी, कहीं नहीं जाता मैं, कहीं नहीं जाता हूं। 24 घंटे आप परेशानी बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जी, मैं मेरा कार्यालय अंब में है, एक गगरेट में है, घनारे में वकालत करता हूं, मैं कहां जाऊंगा, यही रहता हूं। गगरेट के लोगों का मतलब है 24 घंटे आपको लोगों के बीच आप अपनी समस्या लेके आओ, विकास जी आपको मिलेंगे। बिल्कुल जी, और मेरा सबके पास टेलीफोन नंबर है, मैं आपको बताऊं जी, सुबह से शाम तक मैं 500 फोन अटेंड करता हूं, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूं, काम करता हूं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूं, आज भी लोगों की सैकड़ों समस्याएं सुनता हूं, उनका हल करता हूं। तो भी देखिए, मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है, तो जो आपके साथी हैं दो चार जो भी हैं, वैसे तो राहुल जी ने पिछले दफा भी यही कहा था और सोनिया जी का भी यही नारा था कि युवाओं के लिए पहल होनी चाहिए, और युवाओं को पहल देकर भी देखी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। तो हो सकता है युवा चेहरे को भी अब कहीं ना कहीं, आप पढ़े लिखे भी हैं, समाज के बीच रहते हैं और काफ़ी समस्याओं से अवगत भी रहते हैं, आपको टिकट मिल गया तो आप कैसे उन्हें अपने साथियों को संतुष्ट हो जाएंगे जो
कहीं ना कहीं नाराज भी हो जाएंगे आपसे, उन्हें कैसे मनाएंगे। देखिए सारे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हम अक्सर इकट्ठे होते रहते हैं, सारे एक दूसरे के नोन हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो इस मुद्दे को लेकर, इस विषय के ऊपर वो नाराज होंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगा भी कि उनकी भावनाओं को अगर मुझे लगा कि ठेस पहुंची है या वो ऐसा महसूस करते हैं तो उनको मनाऊंगा मैं, मेरे भाई मतलब हैं, उनके साथ चलूंगा, मिलजुल के काम करना है। यस यस यस, मैं उनके साथ चलूंगा जी, उनको साथ लेके चलूंगा। एक तो हो ही नहीं सकता, उनके साथ मिलजुल के रहेंगे। बिल्कुल जी, मैं तो ही कहूंगा मेरा वकालतनामा ही उनके पास होगा। तो ये भी आपने कहीं ना कहीं अभी संतुष्ट कर दिया कि आप मिलजुल के ही काम करेंगे। बिल्कुल, अपने भाई है सारे सारे। तो गगरेट का थोड़ा सा जो समीकरण बिगड़ गया है उसे आप कैसे सुधारेंगे? क्षेत्र की जनता तो बड़ी परेशान है, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी को देखें या कांग्रेस को देखें। अब कहीं ना कहीं निराश तो वो हैं, उन्हें मनाना, उन्हें भी तो मनाना पड़ेगा। पहले तो उन्हें मनाना पड़ेगा और दिन रात आप लगे भी हुए भी हैं और एक अच्छा खासा जाना पहचाना चेहरा भी उनके पास है, विकास कश्यप जी, जो कि कई सालों से, वर्षों से समाज की सेवा में लगे भी हुए हैं। तो ये थोड़ा कठिन तो है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वो बातों में आ गए। अब मैं सीधा नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी समझ गए, लोग भी समझ रहे हैं, आप वही समझो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने लोगों के साथ ठगी तो की, 15,500 का मैंडेट लोगों ने दिया, उसके बाद वो दूसरी पार्टी में मिल गए, अपने दल के खिलाफ चले गए, जिस पार्टी का टिकट लेकर आए, जिस पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी ने उनको अपना चिन्ह दिया, अपना नाम दिया, जिस पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने वो सारे का सारा लेकर उनका सौदा किया। कहीं आप भी मानते हैं उन्होंने गलती की है, बहुत बड़ी। नहीं, बहुत बड़ी गलती की है, सारे लोग मान रहे हैं, सबके सामने शर्म दिख रहा है, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या था जो भाजपा में चले गए? पहले क्यों नहीं गए? पहले चले जाते, कार्य करना था तो पहले चले जाते, किसी और को मौका देते। जब नियत में खोट हो तो ऐसा ही होता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक ना बड़ी पुरानी कहावत है कि जो माँ का नहीं हुआ वो मासी का कभी नहीं होगा। जो अपनी उस पार्टी के नहीं बने जिन्होंने मान सम्मान दिया, जिनके नाम पर उनको 15,000 वोट मिले, वो 15,500 वोट पार्टी को मिला है ना, कि किसी व्यक्ति विशेष को मिला है जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिया है। अगर वो उनके नहीं हुए और दूसरे दल में मिल गए, वहां विरोध कितना हो रहा है आप देख ही रहे हैं, लोग शर्म खिलाफ बोल रहे हैं, आज उनकी मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, उनको देख ही नहीं रहा है। तो लोग कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लोग महसूस करते हैं कि जो गलत लोग जिनको उन्होंने मैंडेट दिया, अब उनको वो बाहर कर दे, बाहर तो हो ही गए हैं, अब लोग उनको मतदान से भी बाहर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि कश्यप जी ने पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं जी, मैं थोड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहा हूं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ी रही है और मैं कांग्रेस विचारधारा से ही जुड़ा रहा हूं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी यही है कि मैं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हूं, चाहे मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं। आपसे कहने का मतलब है कि मुझे ठोक बजा के देख लिया जाए, मैं कांग्रेस का था और हूँ और हमेशा रहूंगा। बिल्कुल, ठोक बजा के देख, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कैसे भी देख लो ठोक बजा के, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। नॉट एट ऑल, हम विचारधारा से जुड़े लोग हैं। देखिए मैं राजनीतिक व्यापारी नहीं हूँ, जो गए वो राजनीतिक व्यापारी थे, हम व्यापारी नहीं है। यस, मैं व्यापारी नहीं है, स्वार्थी नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच रह रहा हूँ, लोगों के बीच काम कर रहा हूँ, यही रहा हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी पृष्ठभूमि को देखें तो बहुत से लोग मेरे यहाँ के जानते हैं। मैंने बचपन में कृषि का काम किया है, मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने दूध का काम शुरू किया, मैं डेयरी फार्म चलाता रहा हूँ। किसानों की समस्या को भी जानते हैं, व्यापारियों के बीच भी रहते हैं, बेरोजगारों के बीच भी जानते हैं कि उनकी क्या मंशा है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं। नहीं, मैं इसके साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं बचपन से लेकर आज तक लोगों के साथ ही जुड़ा हूं और
मेरी पृष्ठभूमि को सभी जानते हैं, तो सबको पता है इस बात का प्रमाण यही है, कोई मापने का पैमाना तो है नहीं, तो यही पैमाना होता है इस बात को मापने का। तो लोगों को पता है कि जो भी मेरा इतिहास रहा है वही वर्तमान है, वैसे भविष्य रहेगा। क्षेत्र में अभी कुछ एक मुद्दे जो अधूरे रह गए हैं उनको भी पूरा करूंगा। मैं इस वादे के साथ लोगों के बीच जाऊंगा कि क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाऊंगा। मेरा तो नाम ही विकास है, तो अगर नाम विकास है तो उस मामले में पीछे नहीं हटूंगा, चहुमुखी विकास करवाऊंगा। लोगों के बीच ही रहता हूं और लोगों की समस्याओं से परिचित हूं, हर किसी तक खड़ा होता रहा हूं, आगे भी होता रहूंगा। तो ऐसा क्या संदेश है आपकी तरफ से कुछ लोगों के लिए, आपके कांग्रेस भाइयों के लिए या किसी और के लिए, कि आपके साथ जुड़े, क्यों जुड़े, किस लिए जुड़े, क्या खासियत है आपके अंदर, वो भी थोड़ा बताएं आप खुल के। मैं इस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं, यहाँ के लोगों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हूं, अपना हूं सबका, सबको अपना समझता हूं, सबको अपना मानता हूं, सबके बीच रहता हूं, और सब ने मेरे साथ डील भी किया है। जिस किसी ने मेरे साथ डील किया, जिस किसी ने मेरे साथ संबंध जोड़े, वो जानते हैं कि विकास का शब्द क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी समस्याओं से परिचित हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ और ऐसे ही खड़ा रहूँगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ना है, चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, हालांकि मैं पूरी तैयारी के साथ हूं, लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ने के बारे में जब मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तब भी लोगों के साथ ऐसे खड़ा रहता था और आगे भी ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तो यही कहूंगा कि आप जुड़ो मेरे साथ। तो जीत क्षेत्र के विकास जीत को लेके कैसे आश्वस्त हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर लोगों के बीच वोट मांगने जाऊंगा, और विकास का दूसरा नाम कांग्रेस है। इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आई है, क्योंकि कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आती है, कांग्रेस जब जब शासन करती है तो कांग्रेस सेवा की भावना से आती है। तो जब जब कांग्रेस ने शासन किया है तो चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर रही है। तो मैं आश्वस्त करता हूं लोगों को कि मैं कांग्रेस पार्टी के चिन्ह के साथ आपके बीच आ रहा हूं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी की सरकार है, सुख की सरकार है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, लोगों ने देख लिया। एक साल में 5 गारंटियां पूरी कर दी, हालांकि हमने तो वादा ये किया था कि 5 साल में गारंटियां पूरी करेंगे, हमने तो जो प्रमुख गारंटियां थी वो हमने एक साल में ही पूरी कर दी। 4500 करोड़ रुपए का आपदा के समय में बहुत बड़ा बजट सरकार ने अरेंज किया। तो इसी विश्वास के साथ मैं लोगों के बीच जाऊंगा और लोगों के उस विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। तो टिकट अभी 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा, तो उसको लेकर भी आप कुछ बताएंगे जनता को कि किस तरह का कांग्रेस ने अभी जो हाल ही में दिया था मैंडेट, उसको लेकर थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे आप? जी बिल्कुल। कांग्रेस में अभी 6 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो हम 6 की 6 चुनाव जीतेंगे, लोकसभा के चुनाव जीतेंगे, और जो पहले मैंडेट लोगों ने कांग्रेस सरकार को दिया था वो मैंडेट बरकरार रहेगा। कार्यकर्ता खुश हैं? कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं, हालांकि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ इन 6 बागी विधायकों ने, मैं तो कहूँगा, गद्दारी की है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कार्यकर्ता खिन्न जरूर हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंची है, लेकिन वो उत्साही जरूर है, वो सबक सिखाना चाहते हैं, वो लेसन देना चाहते हैं, यहाँ के मतदाता भी और कार्यकर्ता भी। आपका क्या संदेश रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए? मैं कार्यकर्ताओं को भी और क्षेत्र की जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि
आपने जो जैसा आप सोच रही हो कि गलत व्यक्ति के हक में मैंडेट इन्होंने दे दिया था, तो उसको दुरुस्त करने का समय आ गया है। जो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ हुआ, उन खिलवाड़ करने वाले लोगों को सबक देने की ज़रूरत है। और इस चुनाव में मेरे जितने भी भाई बहन, बुज़ुर्ग या युवा मतदाता, जिनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि आपको 18 साल की उम्र में वोटिंग राइट देने वाले हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हमारे भारत के। तो उन्होंने आप युवाओं के ऊपर विश्वास जताया था, आपने उनको उस विश्वास के ऊपर खरा उतरना है। और आपने ऐसे लोगों के खिलाफ अब मतदान करना है जिन्होंने आप लोगों के साथ गद्दारी की है, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। आपने उनके हक में मतदान नहीं करना है, आपने कांग्रेस के साथ जुड़ना है, आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर विश्वास जताना है, हमारी सरकार के ऊपर विश्वास जताना है, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो कश्यप जी ने तो अभी अपना तैयारी भी कर रखी है पूरी। जी बिल्कुल, ये चुनाव का निशान दिखा दिया आपने, सब कुछ पूरी तैयारी है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा चुनाव का निशान है, कांग्रेस हाथ का निशान है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कांग्रेस के ऊपर, ठाकुर सुखदेव सिंह सुक्खू जी के ऊपर विश्वास जताना है और कांग्रेस के हक में मतदान करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं एक बात और बीच में जोड़ना चाहूँगा कि जो अपने राजनीतिक व्यापारी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोगों के बीच आए थे, पैराशूट के जरिए आए थे, हाई प्रोफाइल लोग थे, जो उन्होंने कहा, अभी पूर्व विधायक जी ने कहा कि मैं 5-star होटल का कल्चर और हेलीकॉप्टर चॉपर का कल्चर उनके लिए नया नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यही कमी रही, क्योंकि यहाँ के मध्यवर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इस कल्चर से वाकिफ नहीं है। वो जो ऐसे बनारसी ठग आते हैं, कई बार उनकी बातों में आ जाते हैं, तो ये जो पैराशूटी लोग यहाँ पर आए, उन पैराशूटी लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यापारी थे, उन्होंने व्यापार किया, व्यापार करने के लिए ही यहाँ पर हैं। तो आपने ऐसे राजनीतिक व्यापारियों से बचना है। और जो धरातल से जुड़े लोग हैं, यहाँ से जुड़े लोग हैं, जो आपकी समस्याओं से परिचित हैं, आपके बीच रहते हैं, आपने उनके साथ जुड़ना है और उनके हक में जो अपना मतदान करना है।